हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में लक्ष्मण मेला पार्क पर, जहां बेरोजगार वेलफेयर एसोसिएशन के लोग आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। आइए हम उनसे जानने का यह प्रयास करते हैं उनकी क्या मांगे। मैं मोहम्मद अकरम खान, डिप्लोमा फार्मेसी एसोसिएशन का मेंबर हूं, प्रेसिडेंट। और हमारी ये मांग है कि हमारे 2002 में 2007 में एक विज्ञापन निकला था, जिसमें जो है सिर्फ 766 पदों के लिए विज्ञापन निकला था फार्मेसी के लिए। उसमें जो है विभाग ने अब तक 766 पदों के अगेंस्ट में 4000 भर्तियां कर चुका है, जबकि हमें 1980 के रूल के अगेंस्ट में वो पूरी भर्ती कर रहा है विभाग, अपनी मनमानी दिखा रहा है। हमें 600 लड़कों को कम से कम उन्होंने छोड़ रखा है 1980 रूल के अगेंस्ट में, भर्तियां हो रही हैं सारी, जिसके पूरे विज्ञापन जो है फर्जी था। 1980 के रूल में कोई प्रत्यावेदन जो है, कोई विज्ञापन नहीं दिया जाता है, सिर्फ जो है आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि यूपी फार्मेसी काउंसिल से एक लिस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा करना होता है। लेकिन विभाग जो है अपनी मनमानी से सबको जो है एक पूरी एक लिस्ट बना ली, फर्जी लिस्ट, वो पूरी उसमें पूरी फुल फर्जी थी। इसमें ऐसा ही कर दिया गया सबको जो है, मतलब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और हमें 600 विभाग हमारी कोई सुन नहीं रहा है। विभाग जो है उनके अनुसार होना चाहिए सीनियरिटी बेसिस पे, लेकिन विभाग ने विज्ञापन के तहत में जो उनके विज्ञापन में भर्तियों में जिन्होंने अप्लाई किया हुआ सिर्फ उनको कर रहा है, जबकि 1980 की नियमावली में कोई भी विज्ञापन जारी नहीं होता है, सीनियरिटी बेसिस पे किया जाता है। 10 वर्षों से स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो भी रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट हैं 2002 तक, उनको वर्ष वार सीनियरिटी पे मेरिट के आधार पे भर्ती तत्काल की जाए। लाखों रुपया खर्चा किया जा रहा है, ऐसे कोई विज्ञापन नहीं निकाला जा रहा है और बिना विज्ञापन के ही जो है भर्ती की जा रही है। अगर हमारी मांग नहीं मानी तो हम जो है हेल्थ डिपार्टमेंट पर ताला लगा देंगे और बिल्कुल जो है जो किया जाएगा क्या हमें धरना देंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है हम बिल्कुल ताला लगा देंगे। और जब विज्ञापन 766 लोगों का निकाला गया तो उसमें भर्तियां इतनी क्यों की गई? अगर की गई तो हम लोगों का लाखों रुपया व्यर्थ गंवाया गया वहां से। इसलिए हम लोग प्रदर्शन करने आ रहे हैं कि जो भी 1980 नियमावली के अनुसार बच्चे हैं उनको लिया जाए सीनियरिटी बेसिस के आधार पे। फार्मेसी यूनियन। राजकुमार सिंह, मैं अलीगढ़ से हूँ, फार्मासिस्ट हूँ, बेरोजगार फार्मासिस्ट हूँ। स्वास्थ्य विभाग ने फार्म कुछ खो दिया हमारे, इसी वजह से हम बेरोजगार हो गए हैं। और यहाँ पे डाक विभाग ने खो दिए, स्वास्थ्य विभाग ने खो दिए, यह उनको हमारा बिल्कुल हटा दिया फार्म को। हम रहेगा 2002 फार्म बनने से, वो 2000 तक भरे जा रहे हैं, हमारी कहीं सुनी नहीं रहा है वो। उसको ये चाहिए कि 2000 तो छूट गए फार्मासिस्ट जिनके फार्म उन्होंने गलत कर दिए। योगी जी थोड़ा भी हमारे हित में काम करते हैं, हमारी बात को सुन लें और हम पर रहम करते हैं और हम सच्चे हैं। योगी जी सरकार सच्ची है तो हमको एक बार सुन ले। मैम बस हाथ जोड़ के वो कर रहे हैं आपको कि एक योगी जी बिल्कुल ही सच्चाई गई तो आगे आप लोग हम करेंगे, करेंगे इस आंदोलन को ओके कर देंगे, घर पर नहीं बैठेंगे हम। तो ये थे अपनी मांगों को लेकर आए हुए थे और उन्होंने ये कहा कि अगर यदि हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो हम आत्मदाह की कोशिश करेंगे। कैमरामैन चित्रांत के साथ अविनाश, केकेडी न्यूज, लखनऊ।